जय गुरु बाबा सेवाली मै जेबी देवान नवरक अब ये बेला अपना को हेतीवादी चौधरी अनलाइन टेलीविजन में हमारा थारू भाषा कला भाषा साहित्य संस्कृति संरक्षण वस्तु का समसामयिक विषय वस्तु में बातचीत करती आज हमारा सुर्खेत जिला में पहल फ्यारा बनलक रस 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 साली हमार कना थारू म्यूजिक भिडियो कार्यक्रम में आए रही यह क्रम में रस रस साली हमार म्यूजिक भिडियो भिडियो बनुया कलाकार गायक टीम सबकुजन संग भेटघाट बिल्वा मई वहाँ वहाँ संग छोटे बातचीत कर जाए सबकुजन राम 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 पन्ना सर अपने ये रस रस साली हमार कना गीत कहिया लिख ली शब्द संकलन कहिया से सुना ये लेखक मैं 2062 साल में हो लेखक मिटी हेर बेर एक चाहिए उत्पादन हमारा वेब डिजिटल रेकर्डिंग स्टूडियो नेपालगंज में स्थानीय सुर्खेत के कलाकार से गवाह खप तौर पर 2064 साल में यह ऑडियो के रूप में रिलीज कही ये गीत लिख ली दस गीत रेकर्ड कराई पर सुर्खे सुर्खेत समुदाय में आना पड़ कना उत्साह जाना कसी को जाकर लगता ये उत्प्रेरणा कसी संस्कृति ना बड़ा मैगर चीज थी वो जो संस्कृति में हुर्कली वो संस्कृति हमने बिस्तार नहीं देखो शिक्षा लेटी गिला से मन में अपनी पहचान संस्कृति खुश था हमारे अपने काकरण खोजना हमारे चीज काकरण नहीं बनना अपना एक तो व्यक्तिगत चिंतन की विषय रहा दोसर बात आज तक सुर्खेत मैं सबसे पहले 2051 साल में एक थार भाषा गीत लेकर चिलिन गीत बेलौना आ वो गीत एकदम मन छुना खाले रहा वस्त और गीत फिर लिखा पढ़ते विभिन्न ठाउँ कविता वाचन क्रम मिल्ला अब थारू विद्यार्थी समाज त्यसपछि गएर गोचाली परिवार के मञ्चमा स्थान पाइनु पछि थारू कल्याणकारीकै स्थापना हुई उसका थाना सङ्घ संस्थाकी लगायत अग्रज हुकनके थोर थार फे क सही पहिलो सही पागिल जस्ता पागिल जस्ता सर अपना बहुत पहिला गीत देख ली 2075 साल में ये 76 साल में आखन बल्ल म्युजिक म्युजिक भिडियो बना हो लगली बीच में अत्याचार दल में ज्ञाप का काख रहा ये कौन तो पाठो काम करे बेला बहुत चैलेंज कर चुनौती समस्या रह वहाँ फिर अपन जीवन जीने क्रम में आपका कार्यक्रम अशिक सशक्त रूप में अगर बढ़ाइने के कारण अब जागिर के सिलसिला कर अन्य पारिवारिक समस्या उस तक मई जिला से बहुत दूर मुगु कालीकोट में बहुत बैठाई थी 3-4 बरस उस तक यहाँ बैठे बेला फिर वैसे खाल के काम करना आर्थिक कहीं पाटो के पूरा संबंध समस्या फटकल उसी का दस यहाँ राजधानी प्रदेश राजधानी सुर्खेत हुई से फिर यहाँ म्यूजिक भिडियो बनीना खाल के कंपनी अनलाइन कंपनी का पल अस्त न्यू छाइंकन मूवी हाउस तो वसीन खान की कंपनी की स्थापना न्यू मिलर हमारा नेपाल काठमाडौँ जाए हमारे पावर पहुँच से बहुत दूरी बात रहा ऊ कारण फिर हमारे निशेकर यहीं हिल कारण स्थानीय कलाकार शायद सब कुछ जागरूक जानल बुझल उत्साह फिर कहाँ से पहले वो आर्थिक सहयोग कसी का जुटा खाना ये म्यूजिक भिडियो हमारे एक ठो नाना ससुरार पैला मार कबुल हार थारू खान मई ये रस रस एक ठो रहर के रूप में फिर मैं लिख पैलो प्रेरणा रहर रहर में मैं शुरुआत करनु रहर रहर में कर क्या चीज पाइन से काम सकारात्मक सोच मुकर्ती से हर मनिन से हर समुदाय से हर व्यक्ति से पाजिना ये म जिंदगी सिखाए मैं कौन सी भी सहयोग अपेक्षा कर काम नहीं करूँ कि मैं अपन व्यक्तिगत पाकेट में से भी खर्च कर्म करूँ खर्च भी मिल ये दबी सबको पूरा कर नहीं सके कहीं सहयोग मिलल दसों आर्थिक सहयोग जितनी नाम पुरखा बुरा जो आदरणीय अपने मैं सेल्यूट कर चाहती हूँ वहाँ रिटायर्ड लाइफ के व्यक्ति तो कनिश्राम मतलब भान्जा तब अगड़ी बढ़्नुस् पढ़ाई ठारू मसी भन्दा नेपाली मसी बढ़ अगड़ी बढ़ो आगे तू लगभग कल से तुम्हार नेतृत्व में मैं सहयोग करम और जो सहयोग करें तर सबको मिला के जाए पड़ हाई कना वहाँ चाहिए सुझाव सलाह उसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर चौधरी उल्लक कृष्णबहादुर थारू है हमारे जिला अध्यक्ष के ये कुरा करपरत सुखित लसन खाले चाहिए निहिलो कना कर कह लगल उम्मीद अपन गीत व अपन संस्कृति व अपन बनल ऑडियो पढ़ी बा कुछ चीज के खर्च नहीं हो सबको गाँव घर में लहंगा फरिया पढ़ी बा अपने के कली जीत बहादुर अपने का हुई थी महीना वहाँ चाहिए आंदोलन के बैलम चिकली दीर्घ जी कल सबको न बार सुन खाना शब्द कर कर कहते कर नहीं कर रहा है क्या वहाँ एक मानसिकता बनल
त अपने बनक नै प्रेरणाको स्रोत थियो कि म सिङ्गो पछाडि जे आफ्नो कुरा बाटे अपने बनक नै हुन्छ जस्तो म्युजिक भिडियो हेर्ला समुदायको चाहिँ प्रतिक्रिया कसिन पहिले बाटी जस्तै आज लोकार्पण समारोह हो टिप्पणी कार हुँदा आफ्नो चाहिँ टिप्पणी गर्न फेरि कसिन कसिन प्रतिक्रिया पहिले प्रतिक्रिया एक ठो मन अमिश पन्ना अगाडि बरफ पड्कन चाहिँ एक ठो आफ्नो पाटोमा रहल अनि च्यालेन्ज भए है पुगेर मैले पहिनु अब काम गर्न मनैमा कमी कमजोरी भयो काम निकरण भने कमी कमजोरी फेरि देखा पर्थ्यौँ कमी कमजोरी फेरि हुन्थ्यौँ मै काम गर्न क्रममा बहुत त्रुटि थियो विषयकर विल सानोतिनो कुराहरू त्यो रूपमा लेखन ऊ आगामी दिनमा सुझाव त्यो रूपमा लिएर भए तिमै उहाँबाट एक किसिम कि मजाकरले असिम काम चाहिँ एउटा समुदाय कि इज्जत प्रतिष्ठाशील द्वारा संस्कृति कि एउटा डकुमेन्ट्री खालके पहिलो चाहिँ ऐतिहासिक काम हो कोसी ढुङ्गा साबित गर्न अकसँग मौलिक पनि अलिक छुटल कि अब बढी चाहिने अब अलिकति लोक भाका संस्कृति होइन बढी चाहिने फोकस गर्ने ठाउँमा फ्युजन हुल कि कना बात फ्याइल तर आधुनिकतामा जाइ बेला अलिकति डिमान्ड अफ एज कठाउँदैछ समयकै माग अनुसार हाम्रो अलिकति फुटेज आधुनिकतामा फेरि जाइपर ती विभिन्न किसिमको लोक संस्कृति बचिन भर्खर सँगसँग नव नव युवक भन नयाँ जेनेरेसनमा फेरि अलिकति रसिलो हुन खालक चाहिँ बनाइपर्ने उद्देश्यले अलिकति डिजी रिम कसर फिल कना बात बुकिल मैले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ बढी गायक गायिका कि आयल नाच कमाइल कुना प्रतिक्रिया आयल उहाँको बात मुनासिब बाटो ऊ हुँ अलिक कसै फिटा सक्कुजन सुनाएर बेला यी हुन् कतिपय कुरा हाम्रो अनुभव लिएर आगामी दिनमा यी अनुभव हुनको कारण चाहिँ उन अमेश व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाइ सेक जाइ हजुर अब यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँसम्म त पुग्ने आगामी दिनमा कहाँ गर्न सक्छ अब आगामी दिनमा मै बहुत अब चार पाँच दिन मै गीत लेख्न बाटो आधुनिक गीत बा जागरणमूलक गीत बा म लोक डोरी अब नेपाल टप हुइकन म एउटा आत्मविश्वास एउटा लोक डोरी लेख्छु दस मिनट कि हुई लगभग अत्र मजा शब्द भयो कि हो मलाई सुरु खेत के टिपिकल चाहिँ लोक कला खालके लोक थारू लोक डोरी भए अस्ति छोक्रालयमा ऊ मलाई लगानी के कसैको व्यवस्था मिलेन म बाटो अब कला संस्कृति चाहिँ मैले दूर भएको फिनिस एकदम अत्र भारी जङ्गलमा पैदिनु कि निकट टुक्रा चाहिँ निकट निमिल्न आएको त दबाट लग्ला त्यही कर पर्थ्यो क्या ओ कारण आगामी एक दुई ठुलो गीत हामी सखिया नाच पुरान मौलिक चिजहरू बचाइपट्टिन अब अग्रज भावना आत्मसात गर्थे बाँकी दिनमा हाम्रो लोकडोहोरी सखिया मगौटा यी खालको लय त्यो आधुनिक आजको माग हो पुरान रेट भात थियो पुरान चिज पुरान रूपमा रहदिन लौ चिज सबै लौ ढङ्गले आगो बढिन खालके सोच बनाएको मै आगो बढौँ यमन अपने बनाएको साथ अवश्य हुन मै आत्मविश्वास भए सबसे भारी विश्वास हो धन्यवाद आगामी दिनमा थियो आफ्नो असहक गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा आग बढ्दै रहे हाम्रो मसीको साथ सहयोग सपनको साथ सहयोग पैदिरहनेबाट खाना बात गर्न चाहन्छु म यहाँ छोटे बादमै हाम्रा गायकजी हुँदा थियौँ लक्ष्मणजी हजुर रस रस साली हाम्रो कना गीत गाइली हजुर गीत गीत गाइन सजिलो रह कि अप्ठ्यारो रह कसैको सहजै अप्नाउँदै एल्बममा नै स्थान पाइयो गीत गाइन त खासै अप्ठ्यारो नै लागल है आफ्नो भाषा गीत सजिलो नै लागल त्यति थिएँ पन्ना सर हजुर बारम्बार मैले सिकिदिइ रह बहुत दिन त क्लासै लियो भने हजुर जे होस् गीत कतिको कोचलन महसुस गरेर भएको थियो मजा गएन नि मजा जागेन आपना कसिन प्रतिक्रिया लिएर भएको थियो आफ्नो तर्फमा चाहिँ त मजा नै गाइल लागेको भएको अरे आफ्नो दर्शक र कसिन दर्शक हुँदैन त प्रतिक्रिया कहाँ भए जसिन हो जानी नजानखान गीत गाँसेको भए थियो होइन दर्शक र मजा बात गाइखान यसो सुन्दे हो अनि बिग्रल ठाउँमा होइन यसो असिन हुल यहाँ प्रतिक्रिया दियो कन जस्तो आफ्नो भ्याउघरी एल्बममा एक ठो भ्याउघरी एल्बममा गीत गएर बाटी आगामी दिनमा गीत लेख लेखन कार्य गीत गएन कुछ सोच योजना कुछ बनाइल बाटी किन होइन अबसम्म त खासै बनाएल त नि हो पन्ना सर भयो कि एक ठो गीत रचल बाद गीतको लागि आर्थिक सहयोग जुटाइ परल आर्थिक सहयोग मिलिकला चाहिँ हजुर गीत गाइन गायक भने त अपनि फेरि गीत लेख्छ कि नकर्छ गीत लेख्ला भए किन तर मैले नि लेख्छु आवाज दिन काम केही गर्छ आवाज दिन काम केही गर्छ आगामी दिनमा फेरि असँग स्थान पाइबिकला चाहिँ आफ्नो मै गर सुमधुर स्वर देखन एकदम बढिया गीत गीत गाइबी भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो थियो बाँकी रस रस साली हाम्रो म्युजिक भिडियो मन म्युजिक भिडियो
दियो भने भर्खर अभिनय गर्दा बाबु अञ्जना चौधरी अञ्जना बाबु फेरि स्वागत स्वागत गर्दा चाहन्छु अञ्जना बाबु म्युजिक भिडियोमा देखली हाम्रा यी म्युजिक भिडियोमा खेल्न अवसर कसरी प्राप्त गरियो म्युजिक भिडियोमा खेल्न अवसर चाहिँ अङ्कल गरेर अवसर जस्तै यी म्युजिक भिडियोमा खेलेकोलाई कोहरे अभिनय कला सिक्दै रहेछ कि अकस्मात म्युजिक भिडियोमा नै खेल रहेछ अकस्मात खेल्नु कसरी नै अनुभव लाग्यो कसरी आफ्नो अनुभव जस्तो सजिलो रनरलाई कि अप्ठ्यारो रनर रलग अप्ठ्यारो नै हुन रलग पहिलो भिडियो खेलाबेला चाहिँ अप्ठ्यारो नै हुन जस्तै कि म्युजिक भिडियो आफ्नो समुदायमा फेरि आसेकल भए समुदायको मनै कसरी प्रतिक्रिया दिएला भएको समुदाय आगामी दिनमा बन्ना थारू गीत सङ्गीत र म्युजिक भिडियोमा नै खेल्न निख्न कसरी विचार भए ओ घर परिवारमा चाहिँ कतिको साथ सहयोग दिएको घर परिवारमा चाहिँ त सहयोग नै दिएलाबाट अनि त्यसपछि अर्को भिडियोमा मौका पहिले चाहिँ खेल्न विचार हस् धन्यवाद आगामी दिनमा फेरि थारू म्युजिक भिडियो बन्ना क्रममा रहिकला से आफ्नो म्युजिक भिडियो एकदम बढिया चलोस् यसले मजा मजा गीत सङ्गीत उत्पादन होस् मजा बढिया बढिया समुदायमा बाँच्ची हुना खालके गीत सङ्गीतमा न भिडियो निकरबी अप्नाउकन थारू अनलाइन टेलिभिजन के तर्फ से हुन धन्यवाद दिन चाहन्छु अप्नाउ कि चौधरी अनलाइन टेलिभिजन असँग थारू भाषाको समसामयिक विषयवस्तुमा असँग थारू भाषा कला साहित्य सङ्गीतका विषयमा मेरमेरी विषयवस्तु लेखन हाम्रो औ र दिन फे असँग अप्नाउन माझमा आइनेबाटी आवक लागि भर मै जेबी देवन दौरा फे उहाँकन नमस्कार गर्ती ओल्टा भिना अनुमति चाहन्छु हस्त धन्यवाद।